देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बिहार में भी सरगर्मी तेज होती दिख रही है। इसी सिलसिले में मुजफ्फरपुर जिले के बहादुरपुर प्रखंड के मेघना बैदा पंचायत में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल की अध्यक्षता पंचायत के मुखिया मोहम्मद कलाम ने की। अपने संबोधन में मुखिया मोहम्मद कलाम ने कहा कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों ही किसान और मजदूर वर्ग को हमेशा से ही झूठे वादे करके ठगने का काम करती आई है। बिहार की निकम्मी सरकार के विज्ञापन में कुछ और दिखाया जाता है और जमीन पर कुछ और ही नजर आता है। बिहार में सब्सिडी के नाम पर किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। मुखिया ने सरकार से किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा जो भी घोषणा की जाती है उसे अगर पूरा नहीं किया गया तो बिहार में भी किसान और मजदूर आंदोलन पर उतर आएंगे। इस मौके पर मुखिया मोहम्मद कलाम के साथ पूर्व सरपंच जीवछ मंडल और सैकड़ों किसान मजदूर मौजूद रहे। हम लोगों को बहुत ही अफसोस है कि जिस तरह से सरकार विभिन्न तरह का योजना का आयोजन करते हैं, उस योजना को 100% जमीन पर लागू नहीं कर पाते हैं, इसमें हम तमाम लोगों का गलती है। सरकार के साथ साथ हम जो किसान भाई है और किसान है, हम तमाम लोगों का भी गलती है। आप लोगों को जैसा कि पता है कि आज से 5 वर्ष पहले अपने ही पंचायत में राज्य स्तर तक का वर्मी कंपोस्ट का बड़ा सा प्लांट का निर्माण किया गया था और यहाँ बड़े पैमाने पर वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन किया जाता था, जो कि पूरे बिहार के अंदर में सप्लाई जाता था। यहाँ से हमने भी कई किसान भाइयों को और गार्जियन को प्रेरित करने का काम किए कि आप लोग जो फसल का उगाही करते हैं इसमें वर्मी कंपोस्ट का अधिक मात्रा यूज कीजिए, ताकि विभिन्न तरह का जो हम लोगों के बीच में जो बीमारी उत्पन्न हो रहा है इससे बचाव होगा।